यहाँ पे जो जिस मैं आया हूँ ना मैजिक में, तो उसने मुझे बताया कि जो पारस सेवा आश्रम है वहाँ पे रूम अच्छे मिल जाते हैं, रेट भी ठीक है। तो एक बार चल के वहाँ देखते हैं, अगर रूम सही लगते हैं बात, तो अगर वहाँ रूम सही लगे तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करके कपिल मुनि आश्रम चलेंगे। और जहाँ पर ये आश्रम है, मतलब वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे आपका बीचेज है, जहाँ पे वही गंगा नदी और सागर मिलते हैं, तो उसको भी देखते हैं। थोड़ी पहले बारिश बंद हो, ये बारिश ख़त्म नहीं हो रही है। एक तो यहाँ पे अभी हल्की हुई है बारिश, जैसे बारिश ख़त्म होगी रश करके थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलेंगे इस एरिए को। जहाँ पे आपके मैजिक उतारेगा वहीं से ही आपका ये रास्ता कट रहा है कपिल मुनि आश्रम जाने के लिए, ये इधर। तो इसमें हम बाद में चलेंगे, पहले हम चलते हैं भारत सेवा आश्रम। ये आपका भारत सेवा आश्रम, और ये है आश्रम के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, जो यहाँ के स्वामी जी हैं उनके ऊपर, और अंदर शिव जी और जो दूसरे देवी देवता हैं, जो माँ दुर्गा है उनकी भी प्रतिमा लगी हुई हैं। तो चलिए एक बार अंदर दर्शन करते हैं, और फिर आपको जो ये आश्रम है उसका थोड़ा सा ओवरलुक दिखाता हूँ मैं। ये आपका हवन कुंड, ये आश्रम के जो रूम्स बने हुए हैं उसका 360 व्यू दिखाऊंगा मैं अभी आपको चारों तरफ से। ये आपका एंट्रेंस है एक, पहले कभी हम अपने सरकारी स्कूलों में जब होते थे बचपने में वहाँ पे झूला करते थे ऐसे झूले। ये आपका थोड़ा बैक साइड में मंदिर के, ये जो आप पीछे रूम देख रहे हो, ये जो यहाँ पे स्वामी जी हैं या जो इस आश्रम में रहने वाले लोग हैं, जो मतलब काम करते हैं, उनके रूम है पीछे। यहाँ इनका थोड़ा बाग बगीचा भी है, गाय वाय सब पाल रखा है इन्होंने। और आपको गाय दिख रही होंगी, ये यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह इन्होंने उगा रखी हैं, शाकाहारी खाना चावल के साथ 2-3 सब्जी और हैं, लेकिन मैंने एक ही ली है, उसमें टेस्ट अच्छा आ रहा है। अब मुझे समझ तो आ नहीं रहा यहाँ की लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त। एक तो भूख लग रही है और ऊपर से टेस्टी फूड है, चावल दाल जो सब्जी और जो चटनी बनाई है बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ नीचे खाने की व्यवस्था है, जो आपको जो रूम का रेंट है उसी में ही अवेलेबल है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने जस्ट खाना खाया ही, आपने देखा ही होगा। तो पेट पूजा हो चुकी है, नहा धो के तैयार भी हो चुके हैं हम, तो चलिए एक बार आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद निकलते हैं फिर अपने अगली लोकेशन के लिए। मेरे रूम के सामने का व्यू है, और मेरे रूम का चार्ज मात्र 300 रुपये फॉर वन नाइट, और वैसे तो मैं अकेला हूँ, लेकिन इस रूम में 4 लोग तक रह सकते हैं 300 रुपये देकर। ये रहा मेरा रूम नंबर 36। रूम नॉर्मल है,
जैसे नॉर्मल आश्रम्स में या धर्मशाला में मिलता है आपको, ऐसी जगहों पे आपको अलग से बेडशीट देते हैं लोग, एक आपका पंखा है, चार्जिंग का पॉट भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर कोई सबसे पहले देखता है वो है बाथरूम, जो कि उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम साफ सुथरा मिलेगा आपको, बाथरूम सही बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन आपको जो यहाँ की टॉयलेट है वो इंडियंस मिलेगी, इंग्लिश नहीं मिलेगी, तो ये जो थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। इम्पोर्टेंट अपडेट और ये है कि जिस आश्रम में मैं अभी रुका हूँ तो रात को 10 बजे के बाद वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इसी तरह ध्यान रखें कि आप रात को टाइम से अपने रूम में आ जाएं।